बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम 94 न्यूज की खास खास खबरों के साथ मैं हूं ताहा। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन कैसरानी की तफसीलात के मुताबिक ननकाना साहब थाना बड़ागढ़ की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनर्स लाई गैंग के 9 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन कैसरानी की रिपोर्ट में। ननकाना साहब में पुलिस थाना बड़ागढ़ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनर्स लाई मवेशी चोर गैंग के सरगना के 9 साथियों समेत गिरफ्तार करके 42 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के मवेशी बरामद कर लिए। गैंग में एक खातून भी शामिल है। गिरफ्तार मुलजिमान से बरामद होने वाले मवेशी और सामान ने मसरूक असल मालकान के हवाले कर दिया गया। DSP पुलिस सर्कल बड़ा घर मियाँ खालिद महमूद ने सामान मसरूक का मालकान के हवाले कर दिया। DSP पुलिस सर्कल बड़ा घर मियाँ खालिद महमूद ने SHO राणा सज्जाद अकबर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फिरोज़ भट्टी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नवाजी मवेशी चोर गैंग अरसा दराज से ज़िला ननकाना साहब फैसलाबाद और शेखुपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी चोर करके मंडियों में फरोख्त कर देता था। गैंग के सरगना मोहम्मद नवाज अपनी अहलिया के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में हवेली माल मवेशियों में मुलाजमत के बहाने रहना शुरू कर देता था और मौका मिलने पर वहाँ से कीमती मवेशी चोरी कर लेता था। उन्होंने बताया कि मुलजिम नवाज उर्फ नवाजी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में चोरी डकैती और दीगर संगीन नौयत के दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट के लिए 94 न्यूज़ के साथ रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।